नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। विधानसभा के कद्दावर नेता ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कटनी के जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के कद्दावर नेता गणेश राव कैवोर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गणेश राव के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। गणेश राव कैवोर ने पार्टी से इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर आम जनता का काम नहीं करवा पा रहे थे। साथ ही कहा कि बीजेपी की विचारधारा और नीति की वजह से पार्टी में शामिल हुआ था। गौरतलब है कि गणेश राव कैवोर दो बार नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार साल 2004 से 2009 तक निर्दलीय रहे, जबकि दूसरी बार 2009 से 2014 तक बीजेपी से नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। गणेश राव की छवि श्रमिक नेता के रूप में रही है। पाठक जी जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। उनकी उनकी अपनी विधायक काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे। संगठन का भी महत्व हुआ करता था, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है, ऐसा मैंने महसूस किया। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।